मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची फिलहाल अटक गई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुल जमा 140 नामों पर चर्चा हो पाई है। समिति ने मध्य प्रदेश के लिए अभी एक भी नाम फाइनल नहीं किया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, जीतेंद्र भंवर सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल व अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि तकरीबन 140 नामों पर चर्चा हुई है। नाम फाइनल होने में 5 दिन और लगेंगे। सूची अब नवरात्र में आएगी। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 130-140 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद एआईसीसी महासचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सरकार को घेरा और कहा भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता माननीय खड़गे जी ने की, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सब केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरत हाल पर चर्चा हुई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हमने ये ब्रीफ किया केंद्रीय चुनाव समिति को कि मध्य प्रदेश अब बदलाव चाहता है और बदलाव की कगार पर है, परिवर्तन की लहर बह रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।